हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन की जीत के बाद नए साल का जश्न मनाती हुई नज़र आई टीम इंडिया। जी हाँ, नए साल का जश्न मनाती हुई नज़र आई टीम इंडिया। ये वही टीम इंडिया है विराट कोहली की कप्तानी वाली, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में पहले टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल की। सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका को 113 रनों से हराया और साथ ही साथ इतिहास भी रच दिया। विराट कोहली एक ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में दो टेस्ट मुकाबले जीते हुए हैं। तो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, पहले कप्तान बन गए हैं। तो इतिहास रच दिया है विराट कोहली ने और साथ ही साथ 113 रनों से साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन में हराया। तो साथ ही साथ नए साल का जश्न मनाती हुई भी नज़र आई टीम इंडिया। इसमें कई युवा सितारे भी शामिल थे इस पार्टी में, जो 18 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल हुए थे, जैसे कि श्रेयस अय्यर और प्रियंक पांचल, जो रोहित शर्मा की जगह शामिल हुए थे, वो भी इस पार्टी में नज़र आए। साथ ही साथ टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी इस पार्टी में नज़र आए। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में कि कौन कौन से सितारे इस पार्टी में शामिल थे। साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया ने नए साल का मनाया जश्न। 18 साल से कम उम्र वालों की नहीं थी एंट्री। स्पोर्ट्स क्लब नागपुर, महाराष्ट्र। साउथ अफ्रीका में विराट कोहली की कप्तानी वाली टेस्ट टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत से आगाज किया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर जीत का तिरंगा लहराया। इस तरह जीत के साथ ही साउथ अफ्रीकी सरजमी पर दो टेस्ट मैच जीत भारत को दिलाने वाले कोहली पहले कप्तान भी बने। अब इस तरह की ऐतिहासिक जीत और नए साल का आगमन हो तो जश्न बनता ही है। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने के बाद टीम इंडिया ने शानदार जश्न मनाया और सभी खिलाड़ी एक साथ पार्टी करते नजर आए। कोच द्रविड़ भी आए नजर। साउथ अफ्रीका में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कोहली की कप्तानी वाले सभी खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ सभी नए साल के जश्न में एक साथ पार्टी करते नजर आए, जिसकी तस्वीरें खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। इस पार्टी के लिए खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में ऐसी जगह पहुंचे जहां 18 साल से कम उम्र के युवाओं की एंट्री पर बैन था। इस पार्टी में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जश्न मनाते नजर आए और सभी ने साथ में डिनर भी किया। इस पार्टी के दौरान युवा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किए गए प्रियांक पांचाल भी अलग अंदाज में जश्न में नजर आए। कोहली के पास इतिहास पलटने का सुनहर मौका। बता दें कि कोहली की कप्तानी वाली टेस्ट टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर रखी है, जिसके बाद 3 जनवरी को जोहानिसबर्ग में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। ऐसे में कोहली की टीम के पास साउथ अफ्रीका में पिछले 29 सालों में टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है। अगर टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में भी जीत हासिल कर लेती है तो कोहली की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में इतिहास रचते हुए पहली बार टेस्ट सीरीज जीत का तिरंगा लहराएगी। इस सीरीज का अंतिम मैच 11 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा, जबकि उसके बाद 19 जनवरी से केएल राहुल की वनडे कप्तानी में टीम इंडिया तीन मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसमें कई युवा खिलाड़ी भी अफ्रीकी सरजमी पर शिरकत करते नजर आएंगे। हमारे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और आपके कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा।